हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इसे हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति। तो आज हम सोली हरित क्रांति के बारे में ही डिस्कस करेंगे। नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, ये जो टर्म थी ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति कह लीजिए, सबसे पहले इसे किसने यूज़ किया था? इस टर्म को यूज़ किया था विलियम गॉड जी ने। राइट नाउ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के फादर किसे कहा जाता है। तो देखिए, ये चीज़ समझने वाली है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई और इनके फादर कहलाते हैं और नेशनल लेवल यानी कि इंडिया में कोई और इनके फादर कहे जाते हैं। सो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंटरनेशनल लेवल पे है नॉर्मन बॉलॉग, ठीक है। It led to him winning the Nobel Peace Prize in 1970 for his work in developing high-yield variety of wheat. अब इस पूरी लाइन का मतलब क्या है? देखिए, नॉर्मन बॉर्लॉग जो है ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अब इनकी जो डिस्कवरी थी कि वीट की अच्छी क्वालिटी के सीड्स होने चाहिए, इसकी वजह से इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1970 में। सिर्फ ये मतलब है इस लाइन का, ठीक है। नाउ ऑल्सो कॉल्ड थर्ड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसे थर्ड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। अगर ये थर्ड है तो पहले दो कौन से थे? पहला था न्योलिथिक रेवोल्यूशन और दूसरा था ब्रिटिश एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, मुझे अलग अलग वेबसाइट से मिली हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की हैं। राइट और मैं आपसे होप करती हूँ, आई होप कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं, पेपर पेन अपने साथ में रखा है, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं ना तो आपका पढ़ना अभी सब कुछ वेस्ट है, क्योंकि आप सब कुछ भूल ही जाएंगे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। राइट तो ओके फाइन। इसे थर्ड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। पहला कौन सा था? नियोलिथिक रेवोल्यूशन एंड सेकेंड कौन सा था? ब्रिटिश एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। राइट अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे कहा है कि मैक्सिको, जो मैक्सिको है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में है ये, तो इसे बर्थ प्लेस एंड बुरियल ग्राउंड कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का। राइट ये तो हमने हल्की सी कुछ चीज़ें पढ़ ली कि ग्रीन रेवोल्यूशन ये है, वो है, फादर इसके ये हैं, बट व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? हरित क्रांति है क्या? ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट फॉर अ वाइल। ओके तो अब हमें पढ़ना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या। रैपिड इंक्रीज इन वीट एंड राइस यील्ड्स। देखिए, तीन पॉइंट्स हैं, ये तीन पॉइंट समझ लिए ना तो यही है ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब, और कुछ नहीं है फिर, ठीक है। बट पता होना चाहिए, तो हमने फालतू चीज़ें पढ़ी कि फादर है, ये है, वो है, बट ये चीज़ है बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, और जो हमने ऊपर पढ़ा वो है क्वेश्चन कहाँ से आएंगे उस परस्पेक्टिव से, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? फर्स्ट एस्पेक्ट है रैपिड इंक्रीज इन वीट एंड राइस यील्ड्स। जो वीट और राइस की खेती है उसमें रैपिड इंक्रीज करना, ठीक है। इन डिवॉल्पिंग कंट्रीज, सिर्फ जो विकासशील देश हैं, जो विकास की ओर अग्रसर हैं, उन्हीं कंट्रीज में आया है। जो ऑलरेडी डिवॉल्प्ड है उनको तो क्योंकि ज़रूरत है ही नहीं, है ना। नाउ विद द हेल्प ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, गुड फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स। जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं, अच्छे फर्टिलाइजर्स हैं और अच्छी इनपुट देनी है इनको, मतलब हर चीज़ को मॉडिफाई करना है, मॉडर्न तरीके से इनपुट देनी है सिर्फ विकासशील देशों में, जिससे रैपिड इंक्रीज होगा वीट और राइस की खेती में। राइट नाउ इंडिया में 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ MS स्वामीनाथन, ठीक है। अब जो MS स्वामीनाथन थे उनकी हेल्प से हरित क्रांति आई इंडिया में, तो इन्हें कह दिया गया फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। राइट सो ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था इंडिया में, उसके फादर कौन माने जाते हैं? MS स्वामीनाथन। और वैसे इंटरनेशनल लेवल पे कौन माने जाते हैं? नॉर्मन बॉर्लॉग। ये आपको पता होना चाहिए, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा गया। नाउ इट अचीव ग्रेट सक्सेस, काफ़ी भारी भरकम सक्सेस इसने हासिल की, ठीक है। चेंज्ड कंट्री स्टेटस फ्रॉम ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इससे हमारे देश का स्टेटस चेंज हो गया, ठीक है। पहले हमारा देश था फूड डेफिशिएंट इकोनॉमी, मतलब जिसमें खाने की कमी रहती थी और वो कहते हैं ना फेमाइन होते रहते थे, बार बार अकाल पड़ता रहता था खाने का। तो फूड डेफिशिएंट इकोनॉमी से हमारी कंट्री का स्टेटस चेंज हुआ टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लीडिंग एग्रीकल्चरल नेशन, दुनिया का सबसे बड़ा लीड करने वाला एग्रीकल्चरल नेशन। समझ रहे हैं, मतलब जहाँ खाने को सामान नहीं होता था अब वो एक्सपोर्ट करने लग गया खाने का सामान, इतना ज़्यादा भारी भरकम इंक्रीज हुआ, ठीक है, लास्टेड टिल 1978। 1978 में ग्रीन रेवोल्यूशन खत्म हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें फैसिलिटीज जो वीट एंड राइस की प्रोडक्शन हुई थी वो खत्म हो गई, नहीं, हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हो गए कि अब हमें और अच्छे फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी आउटपुट जो है वो ऑलरेडी अच्छी है, प्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी अच्छी हो रही है। ठीक है, सो इट लेड टू एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। जो इंक्रीज़ हुआ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ? पंजाब में, हरियाणा में और यूपी में। ठीक, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे समझ आया हो। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर जो भी मैंने पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स, नेशनल मूवमेंट के हैंड रिटन नोट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब की प्ले लिस्ट जो है वो उनका लिंक अपलोड किया है, तो आप उन वीडियोज़ की हेल्प सकते हैं अपने नोट्स बनाने में। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।